आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज इस वाली सीरीज में हम देंगे, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। कंप्यूटर होता क्या है? देखिए, कंप्यूटर इस तरह का कुछ होता है, और ये ऐसा रहता है, इसको कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर और इसका कहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। ओके, और ये कंप्यूटर में ये वाले एरिया और इसमें ये वाला एरिया, इसे कहते हैं मॉनिटर या एलईडी या एलसीडी, इसे डिस्प्ले भी बोलते हैं हम। और ये कीबोर्ड रहता है यहाँ पे, और ये इसमें लैपटॉप में भी ये सेम कीबोर्ड रहता है, ठीक है? और ये जो बॉक्स है इसे कहते हैं हम सीपीयू या फिर कैबिनेट भी बोलते हैं, ठीक है? ये ऑन ऑफ बटन रहते हैं इसमें, लैपटॉप में इधर रहते हैं ऑन ऑफ बटन, ठीक है? ये माउस, इसमें माउस ये रहता है, और इसमें लैपटॉप में माउस ये रहता है इनबिल्ट, ठीक है व्यूअर्स? तो थोड़ा सा कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन क्या क्या थे? फर्स्ट जनरेशन जो आई थी हमारी 1946 से 1959 आई थी, ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे। सेकेंड जनरेशन जो आई 1959 से 1965, ये ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। इसके बाद में थर्ड जनरेशन जो आई है 1965 से 1971, ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थे। इसके बाद फोर्थ जनरेशन जो आई वो आई 1971 से 1980, VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे ये। फिफ्थ जनरेशन जो आई है 1980 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये USI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फॉलो द सेम बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फाइव बेसिक ऑपरेशंस फॉर कन्वर्ट रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन टू देयर यूजर्स। सभी कंप्यूटर एक ही तरह का सेम बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और परफॉर्म करते हैं कुछ फॉलोइंग फाइव बेसिक ऑपरेशंस, और उसको कन्वर्ट करते हैं रॉ इनपुट डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में, ठीक है? सबसे पहला टेक इनपुट, द प्रोसेसिंग ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। सेकंड, स्टोर डेटा, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। प्रोसेसिंग डेटा, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, आउटपुट इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर द यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। कंट्रोल द वर्क फ्लो, डायरेक्ट्स द मैनर एंड सिक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। तो क्या होता है, कंप्यूटर एक कुछ भी इनपुट डेटा इनपुट लेता है कीबोर्ड वगैरह के थ्रू, ठीक है, और फिर उसको स्टोर करता है टेम्पररीली या फिर परमानेंटली अगर आपको करना हो तो, फिर इसको प्रोसेस करता है और फिर उसको आउटपुट करता है कुछ भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के तौर पे, यानी कि वो या तो हमें हमारी लैप कंप्यूटर स्क्रीन पे, यानी कि जिसे डिस्प्ले बोलते हैं उसमें दिखाया, या फिर प्रिंटर के थ्रू कुछ भी आउटपुट देता है फिर वो, ठीक है? और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ये सभी, पूरा वर्क फ्लो जितने भी है ना, ये किस सिक्वेंस में होना है, कैसे होना है, ये इस चीज़ को भी कंट्रोल करता है, ठीक है? तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू एक ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं इसे। सीपीयू परफॉर्म करता है सभी तरह का डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, और ये डेटा को स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट करता है, और इंस्ट्रक्शन को सेव करता है, ठीक है? सभी तरह के पार्ट के कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है ये। सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के अपने आप में ही तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये मेमोरी और स्टोरेज यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, और एक ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी होती है, ठीक है? व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस? एन इनपुट डिवाइस इज अ पेरिफेरल यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज ए कंप्यूटर और अदर इंफॉर्मेशन। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस कुछ भी डाटा प्रोवाइड करने के काम आते हैं, जैसे कि हम किसी भी, जैसे लाइक कीबोर्ड, हम उसको कुछ भी डाटा इनपुट करते हैं, तो फिर वो हमारे कंप्यूटर में या फिर अदर प्रोसेसिंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, बार कोड रीडर, QR कोड रीडर, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, लाइट बॉल, ग्राफिक टैबलेट, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR बोलते हैं इसे, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ठीक है? ये सब कुछ एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस के। इनपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है,
ये दो प्रकार की होती है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस एंड नॉन नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में क्या 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 आते हैं, माउस आ गया, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन। कुछ नॉन पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जांपल, कीबोर्ड, OCR, MICR, माइक्रोफोन, स्कैनर। कीबोर्ड कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड एक बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में इनपुट डेटा प्रोवाइड करने में काम आता है हमें। द लेआउट ऑफ द कंप्यूटर इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर, ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शंस। तो कीबोर्ड क्या है, ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह होता है, बस उसमें कुछ कीज अलग से दी होती है फंक्शंस के थ्रू। ये फंक्शन की होती है, कुछ स्पेशल कीज होती है, ये शिफ्ट, टैब, कंट्रोल की, बैक स्पेस, डिलीट। ठीक है, ये कीबोर्ड रहता है। तो माउस, माउस पे आता है। माउस क्या करता है, जनरली इट हैज टू बटन कॉल्ड द लेफ्ट एंड द राइट बटन एंड अ व्हील विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बटन। जनरली माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट में और राइट में, ये लेफ्ट बटन और ये राइट बटन। ठीक है, और बीच में एक व्हील होता है जो स्क्रॉल करने के काम आता है। अ माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। ये माउस क्या करता है, हमारी जो ये, जैसे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ना, ये इसको कंट्रोल करने के काम आता है। ये मैं माउस के थ्रू ही कर रहा हूँ। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी यूज टू एंटर टेक्स्ट इन द कंप्यूटर। तो ये इस तरह से काम आता है, पर ये इसमें इससे हम टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कीज वगैरह नहीं है ना कोई भी, तो वो हम कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। ठीक है, सम एडवांटेज ऑफ माउस, इजी टू यूज, ये यूज करने में बहुत ईजी रहता है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही कम में आ जाता है, 100 150 200 रुपये में बहुत आराम से आपको मिल जाएगा मार्केट से। ठीक है, और ये इट मूव्स द कर्सर फास्टर देन द एरो की ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो एरो की होती है ना, अप डाउन, लेफ्ट राइट, तो उससे भी फास्ट काम करता है। स्कैनर इट इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। ये एक इनपुट डिवाइस है, एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है। स्कैनर कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड इन टू अ डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द डिवाइस। स्कैनर क्या करता है, कोई भी इमेज को कैप्चर करता है डिजिटल फॉर्म में और उसे कुछ भी किसी भी डिस्क में, ड्राइव में स्टोर कर देता है। ठीक है, दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड। फिर इन इमेज को हम कुछ भी एडिशन कर सकते हैं, एडिट वगैरह करके फिर उसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द पेपर एंड इट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द हार्ड ड्राइव और ऑफ द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। ये कुछ भी इंफॉर्मेशन जो पेपर पे होते हैं उसको ट्रांसफर कर लेते हैं हमें डिजिटली हार्ड ड्राइव वगैरह में, और फिर उस पर अदर परफॉर्मेंस कुछ भी करनी है, मैनिपुलेशन करना है, डाटा को एडिट करना है वगैरह वगैरह, उसमें काम आता है फिर। ओके, अभी तक हमने पढ़े इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल, अब हम आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल पढ़ेंगे। तो डिस्प्ले मॉनिटर, मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स दैट आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, तो क्या होता है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है जो कि बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स में एक पिक्सल्स जनरेट करते हैं, फिर उससे जो कि हमें डिस्प्ले के तौर पे आती है, हम उसमें कुछ भी देख सकते हैं फिर। ठीक है, LCD द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेज दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपेरिजन टू द CRT। CRT जो पहले आते थे तो उससे कम पावर कंजम्पशन लेता है और अच्छी क्वालिटी की वीडियोज देता है ये। ठीक है, वॉट इज प्रिंटर, अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू पेपर, यूजली टू स्टैंडर्ड साइज शीट्स ऑफ पेपर। प्रिंटर क्या करता है, कुछ भी टेक्स्ट या ग्राफिक आउटपुट फॉर्म में कंप्यूटर से लेता है, उसको पेपर पे ट्रांसफर कर देता है, यानी कि प्रिंट कर देता है। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते थे, ये की इम्प्रेशन लेते हैं, स्ट्राइक लेते हैं रिबन पे, रिबन पे जब वो छप जाता है फिर वो उस चीज को पेपर पे सेम टू सेम छप जाता है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बहुत पहले यूज होते थे, अभी यूज नहीं होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर,
द बेस्ट नॉन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर द इंकजेट प्रिंटर। बेस्ट नॉन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो इंकजेट प्रिंटर के नाम से हम जाने जाते हैं, ठीक है। ऑफ विच सेवरल मेक्स ऑफ लो कॉस्ट प्रिंटर्स आर एन एग्जाम्पल, जिसमें कुछ लो कॉस्ट कलर प्रिंटर एग्जाम्पल है उसके, ठीक है। तो इसमें दो तरह के रहते हैं, एक लेजर प्रिंटर एक इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में नॉर्मली क्या रहता है, वो लेजर के थ्रू उसमें प्रिंटिंग होती है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इंक स्प्रे होती है थोड़ी 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 थोड़ी, और वो पेपर पे प्रिंट हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल देखिए, डॉट मैट्रिक्स जो मैंने बताया था, ये देखिए ये वाले इम्पैक्ट प्रिंटर जो थे वो ऊपर वाले हैं हमारे, ये डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर। और जो हमारे ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो ये हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर, ठीक है। इनमें इंक स्प्रे होती है और उसके थ्रू हमारे